ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू जोकर फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो का लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो है जो आप सभी को ना इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको पहले डाउनलोड करके फिर पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है, देन आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, यहाँ से जो आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस मॉडल का जो है मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिस भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी उन भाई को, तो आप जाकर उन वीडियो को देख लेना एंड इजीली वहाँ से सीख लेना, ठीक है। एंड गाइस जब आप यहाँ पे मॉडल को ऐड करोगे देखा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मॉडल को ऐड किया एंड डन कर दिया हो गया, नहीं गाइस ऐसा नहीं करना है। मॉडल को जब यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका जो मॉडल है वो सही पोजीशन में है कि नहीं, एंड कुछ पार्ट जो है इसमें आपको इरेज भी करना है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट इरेज करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको जहाँ पे दिख रहा है गाइस पीछे के साइड में, तो गाइस मैं इसकी ओपेसिटी फुली रख लेता हूँ, ठीक है, उसी में बेटर दिख रहा है। तो इरेजर टूल में जाना है, एंड जो आपका जो दूसरे वाला पैर का साइज होगा, दूसरे वाला जो पैर होगा जो आपके साइड में होगा, जैसे गाइस इसमें जो हिम्मत भाई का जो पैर है वो वाला, आपको पहले इसको इरेज करना, क्योंकि गाइस हमें जो फोटो में दिखाना है कि ये जो है मतलब कि एक पैर भाई का जोकर के उस साइड है और एक पैर इस साइड है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए आपको जो ये इरेज करना है, तो आपको अच्छे से पहले यहाँ से मैं फटाफट इरेज करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमने इतना काम तो कर लिया। अब गाइस देखिए इसमें जो है ना, अभी हमें ऊपर से जो आपको दिख रहा होगा जो स्काई वगैरह जो वहाँ से आपको दिख रहा है, एक रिम लाइट सी क्रिएट हो रही है, तो वो रिम लाइट क्रिएट जो है हमें अपनी अपने मॉडल के ऊपर करना है। तो पहले गाइस हम मतलब मॉडल का जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब कलर करेक्शन कर लेते हैं, एंड मतलब कि जैसे गाइस फोटो जो है ओवर एक्सपोज एंड जो मतलब पूरा एक्सपोजर होता ही नहीं है फोटो में, तो मैं मतलब वो सब चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी अपनी फोटो के हिसाब से करना, ठीक है, क्योंकि गाइस ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको कैसे करनी है, क्योंकि गाइस क्या है कि सबके एक्सपोजर एंड जो भी है मतलब कि लाइटनेस वाली डिटेल है जो अलग अलग होती है, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की, तो वो आप अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब गाइस देखिए इतना हमने कर लिया। अब गाइस यहाँ पे जो हमें अपने इस मॉडल का डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम जो है सेम साइज में रखेंगे जैसे हमारा मॉडल है वैसे साइज में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है, एफएक्स वाला जो ऑप्शन है हम इसमें लेके चलेंगे, एंड इसमें ले जाने के बाद आपको ना एक कलर्स वाला ऑप्शन दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें जाना आपको, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एक ब्लैक एंड व्हाइट, आपको सिंपली इस पर एक बार टैप करना है, एंड उसके बाद एक पे अगेन टैप करना है, एंड उसके बाद जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड इसका अमाउंट जो आपको जीरो करके एंड ऊपर से मर्ज कर देना है, देन आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है एंड इसको भी मर्ज कर देना है। फिर जाना आपको कलराइज वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपको इसको करना है ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर, फिर आपको कर देना यहाँ पे इसको डन। फिर इसके बाद आपको ये करना, आपको जाना इरेजर टूल में एंड इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद जो है यहाँ पे मतलब कि पहले यहाँ से नीचे वाले इरेज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे गाइस आपको ब्रश लेना है, एंड ब्रश को लेने के बाद जो आपको यहाँ पे जो हार्डनेस है जो ओपेसिटी इसको कम करना है, जो साइज इसको इंक्रीज करना है, देन आपको फोटो को जूम करना है, साइड में आपको ऐसे कुछ इस टाइप से पेंट करना है, यानी कि मतलब कि जो पीछे से जो रिम लाइट आ रही है ना गाइस, मतलब कि जो सनसेट जो है वहाँ से जो लाइटनेस आ रही है वो जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, इससे एक रियलिस्टिक लुक आएगा, तो आपको ये चीज़ बनानी है, ठीक है। एंड इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में समझ आया तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो, तो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखी गाइस रिम लाइट भी जो हमने क्रिएट कर दी है। अब गाइस इसका जो हमें ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करके हमें इसको रखना है स्क्रीन मोड में, ठीक है, स्क्रीन में। एंड आप चाहो तो गाइस इसको मतलब कि डुप्लीकेट करके भी आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर इसको हम क्या करते हैं गाइस, अब यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको डन, अब इसमें कुछ चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब गाइस हमारा मेन चीज आता है इसमें एक बिगिनेट का ऑप्शन, ठीक है, यानी कि मतलब फोटो में जो एक अच्छा सा लुक देने के लिए हमें एक बिगिनेट ऐड करना है इसमें, तो इससे ऐड फोटो में जाकर हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आपको ये करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, ठीक है, तो एकदम अच्छा लगेगा मतलब फोटो में, एकदम देखिए गाइस कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। अब गाइस देखिए इसमें कलर करेक्शन करके हम इस फोटो को और भी बॉम्ब बना देंगे, तो अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है, एंड इसको लेकर चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। सो गाइस हमने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया, यहाँ पे अपने फोटो को भी पहले से ऐड करा था, तो मैं डायरेक्ट इसको ऑन करूंगा एंड उसके बाद यहाँ से सीधा चलेंगे हम इसमें लाइट वाले ऑप्शन में, क्योंकि गाइस फोटो का जो है कॉन्ट्रास्ट वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो कॉन्ट्रास्ट इसको माइनस करेंगे, हाईलाइट जो है गाइस इसको यहाँ पे हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, एंड जो गाइस शेडो है गाइस, ठीक है, तो शेडो को जो है हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे हल्का सा, फिर यहाँ पे जो है वह गाइस व्हाइट इसको हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करेंगे हल्का सा, एंड जहाँ पे ब्लैक है गाइस इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जाएंगे हम कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ाएंगे गाइस, ठीक है, एंड उसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे गाइस हल्का सा कम करेंगे, हल्का हल्का, ठीक है। फिर जाएंगे हम गाइस यहाँ से कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन हल्का सा माइनस करेंगे, एंड इसके बाद जो लूमिनस हम इसको बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है ऐसे गाइस रेड कलर में, आपको उसका यू माइनस करना है, जो सैचुरेशन इसको प्लस कर देना है। फिर गाइस जितना हो जाने के बाद जो है आपको लेना येलो कलर, एंड इसका जो सैचुरेशन सॉरी ह्यू है जो इसको माइनस करना है, सैचुरेशन है जो इसको प्लस करना है।
ठीक है। इतना हो जाने के बाद जो है गाइस आपको ये करना, आपको लेना है ग्रीन कलर, आपको इसका सैचुरेशन माइनस करना है, सॉरी ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू में जाने के बाद आपको इसका जो ह्यू है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जैसा मतलब आप रखना चाहो वैसा रख सकते हो, वैसे ब्लू कलर है भी नहीं फोटो में। तो अब उसके बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। फिर यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में जो विग्नेट है वो डालेंगे। गाइस विग्नेट तो डालना बहुत जरूरी है फोटो में, मतलब हमारी विग्नेट टाइप की ना, मतलब डार्क टाइप की, तो विग्नेट डालना है। फिर आपको ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको वो बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।